हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रशांत कश्यप, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से। उम्मीद करता हूँ इस विश्वव्यापी कोरोना संकट में आप सभी घर पे अपने सुरक्षित होंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है आपके लिए, उसका शीर्षक है हुविष्क का मथुरा अभिलेख, जो कि एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए ये उपयोगी है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हुविष्क कुषाण वंशी राजा था, जिसने 106 ईस्वी से लेकर 138 ईस्वी के आसपास शासन किया। उसका यह मथुरा से प्राप्त अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख से हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक इतिहास में यह अभिलेख दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, कुषाणों की इसमें वंश परंपरा दी गई है। वंश परंपरा अर्थात हुविष्क के पहले वाशिष्क राजा था, जिसके बाद हुविष्क गद्दी पर बैठा, तो हम कह सकते हैं कि वंश परंपरा में पिता और पुत्र दोनों का नाम इस अभिलेख में मिलता है, इसके लिए यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिसके लिए यह अभिलेख महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से, वह इसलिए कि इस अभिलेख में हुविष्क की जो उपाधि मिलती है वह देवपुत्र शाही उपाधि मिलती है। यह उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुविष्क, जिसने 106 ईस्वी पे गद्दी पर बैठा और देवपुत्र शाही की उपाधि धारण की, 106 ईस्वी से लेकर के 118 ईस्वी तक के जितने इंस्क्रिप्शन इसके मिलते हैं उसमें सभी में इसकी उपाधि देवपुत्र शाही मिलती है, लेकिन 119 ईस्वी का सांची मध्य प्रदेश से एक अभिलेख मिलता है जिसमें इसकी उपाधि देवपुत्र शाही न देकर महाराजाधिराज मिलती है। अब इन दोनों उपाधियों की समानता को अगर हम स्थापित करें तो देवपुत्र शाही और महाराजाधिराज दोनों को हम एक दूसरे से समानता या समता कैसे स्थापित करेंगे, इसके आधार पर इतिहासकारों का, विद्वानों का अपना अलग अलग तर्क है। कुछ का मानना है कि देवपुत्र शाही उपाधि का प्रयोग उसने इसलिए किया कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था, जबकि कुछ का ऐसा मानना है कि नहीं, देवपुत्र उपाधि का प्रयोग इसके पहले भी हमें अभिलेखों मिलता है, जैसे अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम्पी अर्थात देवताओं का प्रिय राजा अशोक कहा गया है, उसी प्रकार से इसने देवपुत्र शाही उपाधि का प्रयोग किया। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत होता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात राजा की समानता उस देवता से स्थापित करने का प्रावधान हमारे धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल से ही है। उसी क्रम में इस उपाधि का हुविष्क ने प्रयोग किया और लगभग इसी उपाधि का प्रयोग अशोक ने भी अपने अभिलेखों में किया। दूसरा, इस अभिलेख का जो इम्पोर्टेंस है वह आर्थिक दृष्टिकोण से है। इस अभिलेख में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो यह बताती हैं कि इस अभिलेख का महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा है। इस अभिलेख में सबसे पहले अक्षय निवी की चर्चा है। इस अभिलेख में पुराण सिक्कों के रूप में उसकी चर्चा है और इस अभिलेख में प्रस्थ, जो कि एक नापने की इकाई थी, उसकी चर्चा है। अक्षय निवी, इस अभिलेख में अक्षय निवी की चर्चा मिलती है। अक्षय निवी अर्थात ऐसा धन जिसके ब्याज का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, उसे हम अक्षय निवी कहते थे। इस अभिलेख में इसकी चर्चा है, अक्षय निवी। दूसरा, इस अभिलेख में पुराण की चर्चा है। पुराण, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुराण जो था वो सिक्कों के अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है इस अभिलेख में। इस अभिलेख में 550 पुराण और 550 पुराण अर्थात 550 पुराण और 550 पुराण दो श्रेणियों के पास अलग अलग जमा करने की बात कही गई है। 550 पुराण जिस श्रेणी के पास जमा किया गया उसका नाम एक अभिलेख में मिलता है इस अभिलेख में, उस श्रेणी का नाम सीमित कर श्रेणी था।
और दूसरे का नाम हमें इस अभिलेख में मिट गया है, मिलता नहीं है। अर्थात दान देने वाले ने 550 पुराण एक श्रेणी के पास जमा किया और 550 पुराण दूसरी श्रेणी के पास जमा किया, जिसके ब्याज का उपयोग किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किया जा सकता है। तीसरा, इस अभिलेख में प्रस्थ की चर्चा है। इस अभिलेख में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की चर्चा है जिसको मापने के लिए प्रस्थ का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। तो अक्षय निवी, पुराण और प्रस्थ, इन तीनों के आधार पर इस अभिलेख का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, कुषाणों का राज उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर भारत अर्थात, उत्तर भारत से तात्पर्य हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका था वो पूरा का पूरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका कुषाणों के राज्य के अंतर्गत आता था। इसी राज्य से, कुषाणों के राज्य से होकर के सिल्क रूट गुजरता था। सिल्क रूट अर्थात चाइना से लेकर के रोम तक का जो व्यापार होता था वो इसी सिल्क रूट के माध्यम से होता था, और ये सिल्क रूट का कुछ हिस्सा कुषाणों के राज्य में पड़ता था। अब इस सिल्क रूट जिसकी हमने चर्चा किया, कुषाणों के राज्य में पड़ने के कारण जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे चाइना तक, या चाइना से जो रोम जाते थे, वो आने और जाने दोनों समय में कुषाण राजाओं को टैक्स देते थे, और वो टैक्स सोने के सिक्कों के रूप में होता था। और यही कारण है कि कुषाण काल में कुषाण राज इतना समृद्धशाली हुआ कि इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। तीसरा, इस अभिलेख का जो महत्व है वह सामाजिक दृष्टिकोण से है। सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे है? इस अभिलेख में दो नामों का उल्लेख आया है, पहला बकन और दूसरा खारसलेर। बकन अर्थात, इतिहासकारों ने इसकी समानता बकन की अफगानिस्तान के बदख्शां से लगाया है, और दूसरा खारसलेर जो आया है इसका अर्थ अभी स्पष्ट नहीं है। संभवतः यह भी अफगानिस्तान में कहीं कोई छोटा सा राज्य था या प्रांत था, जहां से दान देने वाला मथुरा आया और उसने यहां पर दान दिया। और वो दान कैसा था? वो दान पुराणों के रूप में था, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे किया। 550 पुराण एक श्रेणी के पास, 550 पुराण दूसरी श्रेणी के पास, और उन पैसों से जो ब्याज मिलता था, उस ब्याज का उपयोग किस में किया जाता था, उसके लिए भी चर्चा आई है। अभी हम जिसकी चर्चा डिस्कशन करेंगे आगे, उसका उपयोग हम किस में करते थे? पुण्यशाला किसको बोला जाता था? धर्मशाला अर्थात सड़कों के किनारे, पहले जो आवागमन का जरिया था, सड़कों के किनारे लोग चला करते थे, तो बीच बीच में धर्मशालाएं बनी होती थीं, जिसको पुण्यशाला भी कहा जाता था, जिसकी चर्चा इस अभिलेख में आई है। और यह पुण्यशाला या धर्मशाला का काम क्या होता था? भूखे और प्यासों लोगों की मदद करना, उनको समय समय से भोजन पानी इत्यादि मुहैया कराना, ये काम इस पुण्यशाला का होता था। तो उस अक्षय निवी के माध्यम से जो पैसा पुराणों के रूप में वहाँ जमा था सीढ़ियों के पास, उसके ब्याज से क्या किया जाता था? लोगों को भोजन और पानी का प्रबंध किया जाता था, इसकी चर्चा इस अभिलेख में आई है। तो हम कह सकते हैं कि दान देने की जो प्रवृत्ति थी वो कहीं ना कहीं से विदेशियों में भी, कुषाण क्या थे? विदेशी थे, उनमें भी यह कहीं ना कहीं से झलकती है। और दान देने की जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है उसको भी इन्होंने क्या किया? आत्मसात किया। तो कहीं ना कहीं से यह क्या करता है? सामाजिक दृष्टिकोण को भी बतलाता है। इस प्रकार से इस अभिलेख का इम्पोर्टेंस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोणों से है। इस प्रकार से कुषाण सभ्यता तत्कालीन विकासशील अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जो कि शांति की स्थापना तथा विश्व व्यापार के नए मार्गों के खुलने से संभव हुई। कुषाणकालीन नगरीकरण औद्योगिक विकास एवं व्यापारिक केंद्रीकरण दोनों पर आधारित था। इन नगरों में सुनिर्मित घर थे, चीनी यात्रियों द्वारा दिए गए फसलों के उत्पादन से संबंधित विवरण से स्पष्ट होता है कि कृषि को इस काल में प्रोत्साहित किया गया। ये यात्री केवल अनाज फसलों का ही उल्लेख नहीं करते, बल्कि कच्ची चीनी एवं फलों का भी उल्लेख करते हैं। इस प्रकार से कुषाण काल में कृषि उत्पादन एवं व्यापारिक लाभ से जनजीवन को और भी समृद्ध किया, और इस प्रकार से कुषाण राज बहुत ही निरंतर
क्या हुआ, हमेशा एक प्रकार से बढ़ता गया। और इस अभिलेख के माध्यम से जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। थैंक यू वेरी मच।